ऐसा लग? अरे वो लुईस की बेटी फेनी, वो हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई। और ते नहीं हो, पिंकू का क्या बोला ते बोला? हाँ। ओ अच्छा अच्छा हाँ, नहीं वो लुईस जी है ना, वो वहाँ पे कस्टम ऑफिसर है, तो उन्होंने कहा है कि वो बच्चों की हेल्प करेंगे। अरे वाह, खुदाई जी ने उनको भेजा होगा। खुदाई जी तेरी लाख लाख में है। मिस्टर लुईस ने कहा तो है कि वो पूरी कोशिश करेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है। देव करो आणि पिंकू बाबाला टप्पू सेना इथे लवकर घेऊन येऊ। ओके, अंदर जाने की परमिशन मिल गई है। एयरपोर्ट है। हाँ, लेकिन एक बात है, आप सबको अंदर नहीं ले जा सकता, मैं सिर्फ दो लोग अंदर जा सकते हैं। हाँ तो मैं चला जाता हूँ, और कौन आएगा? नहीं नहीं, एक मिनट पोपट, मुझे लगता है सोनू और टप्पू को अंदर जाना चाहिए। ओके ओके ओके। नहीं नहीं दादाजी, आप और हम दोनों जाते ना अंदर। अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने उसे बहुत डांटा है, हो सकता है मुझे देखकर वो और डर जाए। तुम दोनों अंदर जाओ, तुम उसके दोस्त हो, दोस्ती का लगाव अलग ही होता है। हाँ हाँ दादाजी, चल सोनू। वो टप्पू यार, कुछ भी हो जाए पिंकू को लिए बिना वापस मत आना। ठीक है, कम ऑन सोनू टप्पू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। चल 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 सोनू, संभाल जल्दी, आप लोग प्लीज यहीं पर। हां ऑल द बेस्ट, मेरे मेरे साथ। थैंक यू। एयरपोर्ट प्रमाइसेस के अंदर इन आईडीज को पहने रखना बहुत जरूरी है, इज दैट क्लियर? ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। आई ट्राई माई बेस्ट, लेकिन एयरपोर्ट प्रमाइसेस में मैं आप लोगों को यहाँ ज्यादा देर के लिए नहीं रख सकता। नाउ पिंकू को ढूंढने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन अगर इमिग्रेशन प्रोसेस हो गया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सो वी हैव वेरी लिटिल टाइम। अंकल एक रिक्वेस्ट है, हम पिंकू को यहाँ आसपास ढूंढ सकते हैं? श्योर, थैंक यू। चलिए, थैंक्स। सुनो, तो इस तरफ ढूंढ, मैं उस तरफ ढूंढता हूँ। गेट नंबर 13। So there's a scenario and we have to take care of it. क्या हुआ, मिला आपका दोस्त? नहीं। ठीक है, अच्छा सुनो, अजय को मेरे कैबिन में भेजना। ओके, आप लोग चलिए मेरे साथ। प्लीज कम, बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, इट्स ओके। कनाडा की फ्लाइट थी ना? हाँ। गेट नंबर 13। अजय, गेट नंबर 13 से जो कनाडा की फ्लाइट जा रही है उसका क्या स्टेटस है? सर फाइनल सिक्योरिटी चेकिंग चल रहा है। ओ थैंक यू। पैसेंजर नेम पिंकू। टप्पू को एक आखिरी बार फोन करके उसकी आवाज सुनकर उसे बाय बोल देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने फोन किया तो वो मुझे रोक लेगा, मुझे बात ही नहीं करनी। चल कमान पिंकू, मैच पॉइंट है, जीतना है हमें। चल हाँ, हम ही जीतेंगे। खेल खेल के कोकी, आज हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, नहीं होंगे। कभी भी एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप सब मोबाइल हो तो मैं सिम कार्ड हूँ, और आप सब टीवी हो तो मैं केबल कनेक्शन हूँ, आप सब समोसा हो तो मैं चटनी हूँ, आप सब लस्सी हो तो मैं
तुम सब पेन हो तो मैं बुक हूँ। वेरी नाइस। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अधूरे। जब बारिश होगी तब एक दूसरे का छाता बनेंगे, और अगर धूप होगी तो हम एक दूसरे का साया बनेंगे। प्रॉब्लम होगा तो एक दूसरे का सलूशन बनेंगे। यस, कभी ना टूटने वाली हमारी सेना टप्पू सेना। टप्पू सेना। टप्पू सेना। क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? वो अंकल पिंकू हम सबको छोड़ के जा रहे हैं ना, तो बहुत ही टेंशन हो रहा है। काम डाउन, काम डाउन। इस कनाडा जाने वाली फ्लाइट में तो पिंकू नाम का कोई है ही नहीं। अरे सॉरी अंकल, मैं आपको बताना ही भूल गया कि पिंकू तो उसका पेट नेम है, उसका असली नाम पंकज है। ओके, पंकज। इस फ्लाइट में पंकज नाम के दो लोग हैं, एक है पंकज पटेल एज 59। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं। और दूसरा है पंकज दीवान एज 19। हाँ, वही 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 होगा, वही होगा। पर पिंकू का असली नाम तो पंकज सहा है। ओके, लेट मी चेक। हाँ, लेकिन अभी तो थोड़ी देर में बोर्डिंग शुरू होने वाली है। सर सर प्लीज कुछ कीजिए, पिंकू को रोक लीजिए प्लीज। सर चला जाएगा सर। हाँ सर प्लीज। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। गेट नंबर 13 रिपोर्ट। रिपोर्टिंग सर। कनाडा जाने वाली फ्लाइट है, फ्लाइट नंबर CAN 13346। पैसेंजर का नाम है पंकज दीवान। अगर वो वहां पर है तो हमारी अर्जेंटली उनसे बात करवाई। ओके सर। लेट्स सी। मिस्टर पंकज दीवान, यहाँ कोई मिस्टर पंकज दीवान है? यस मैम। हेलो सर। हेलो। लीजिए बात कीजिए। बात कौन है? सर हमारे एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिसर आपसे बात करना चाहते हैं। और मैम उन्हें मुझसे क्या बात करनी है, जरा पूछिए। ओके सर। सर मिस्टर पंकज जानना चाहते हैं कि आपको उनसे क्या काम है। उनके फ्रेंड टप्पू उनसे बात करना चाहते हैं। ओके सर। सर आपके कोई फ्रेंड है टप्पू, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैम उन्हें बोल दीजिए मुझे बात नहीं करनी है। सर वो बात करना नहीं चाहते। ओके, ओवर एंड आउट। ओके सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ओके ओके मैम, थैंक यू। आपका फ्रेंड तो आपसे बात करना ही नहीं चाहता। अरे ऐसे कैसे वो बात नहीं करना चाहता? प्लीज प्लीज अंकल एक बार और पूछिए ना प्लीज। प्लीज आप उसका बोर्डिंग रुकवा दीजिए। बेटा हमारे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम ऐसे ही किसी को फ्लाइट पर चढ़ने से रोक नहीं सकते। और वैसे भी अगर आपका फ्रेंड कनाडा जाना चाहता है तो मैं तो क्या उसे कोई नहीं रोक सकता। प्लीज प्लीज अंकल कुछ कीजिए प्लीज। बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, अब इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता। बेटा थोड़ी देर में बोर्डिंग शुरू होने वाली है, देखो जो कुछ हम कर सकते थे वो हमने किया। नाउ वी कांट स्टॉप अ पैसेंजर फ्रॉम बोर्डिंग अ फ्लाइट। आई एम सॉरी। आइडिया। अंकल हम पैसेंजर्स को जबरदस्ती नहीं रोक सकते, राइट? पर हम हमारे दोस्त को तो जबरदस्ती रोक सकते हैं ना। मतलब कि एयरपोर्ट पे कोई खो जाए या कुछ इमरजेंसी हो जाए तो ऐसी कोई सिस्टम तो होगी ना कि हम अनाउंसमेंट करें और सबको सुनाई दे। पब्लिक अनाउंसमेंट? हाँ। बस एक बार मुझे वहां ले जाइए, मैं बात करूंगा। पिंकू मेरी आवाज सुनेगा तो वो जरूर रुक जाएगा। प्लीज प्लीज अंकल एक बार अनाउंसमेंट कर दीजिए प्लीज। प्लीज अंकल। बेटा लिसन टू मी। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ लेकिन अंकल प्लीज एक लास्ट चांस। अगर अनाउंसमेंट के बाद पिंकू नहीं रुका तो हम लोग ऐसे चले जाएंगे। और प्लीज एक लास्ट चांस दीजिए प्लीज। वो ऐसे चले जाएंगे प्लीज। प्लीज वंस वन लास्ट टाइम प्लीज सर। प्लीज। ओके। लेकिन ये मेरी तरफ से लास्ट एंड फाइनल हेल्प होगी। इज दैट क्लियर? हां। अनाउंसमेंट के बाद अगर आपके फ्रेंड को आना होगा तो 10 मिनट में आ जाएगा, वरना समझ लेना कि वो फ्लाइट बोर्ड कर चुका है। ओके okay?
और उसके बाद आप दोनों यहाँ से चले जाएंगे। चलिए। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। चलिए अनाउंसमेंट कैबिन चलना है, चलिए। मिस्टर चड्ढा के लिए वो प्लीज सिक्योरिटी केबिन में आके रिपोर्ट करें। यस सर। पद्मा, वी नीड टू मेक एन अर्जेंट अनाउंसमेंट। कनाडा की फ्लाइट में एक पैसेंजर है, पंकज दीवान। पंकज दीवान के लिए अनाउंसमेंट करनी है। हाँ सर, क्या अनाउंसमेंट करनी है? आप सिर्फ पंकज दीवान बोलिए, बाद में मैं बात कर सकता हूँ इफ पॉसिबल। ये अनाउंसमेंट मिस्टर पंकज दीवान के लिए है जो कनाडा जा रहे हैं। This announcement is for Mr. Pankaj Diwan. Pinku, मैं बोल रहा हूँ। टप्पू। Pinku, मुझे पता है तू मुझे सुन रहा है। Please यार एक बार मिल ले। देख कोई भी नहीं चाहता कि तू जाए। पिंकू, तुझे अपनी दोस्ती की कसम है, प्लीज यार मत जा। बारिश होगी तो एक दूसरे का छाता बनेंगे, धूप होगी तो एक दूसरे का साया बनेंगे, प्रॉब्लम होगा तो एक दूसरे का सॉल्यूशन बनेंगे। पिंकू तो जाएगा तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, प्लीज यार मत जा। पिंकू तो अपनी सारी मेमोरीज, साथ में देखे हुए सपने सब लेकर जा रहा है, प्लीज पिंकू रुक जा, मत जा। प्लीज पिंकू मत जा, प्लीज। ओके बच्चों, मुझे लगता है अगर उसको अभी आना होगा तो वो आ जाएगा। आप लोग बाहर वेट कीजिए प्लीज। थैंक यू। कनाडा जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि वे अपनी गेट की ओर प्रस्थान करें। पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू कनाडा आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव गेट्स। प्लीज। जब बारिश होगी तब एक दूसरे का छाता बनेंगे, और अगर धूप होगी तो हम एक दूसरे का साया बनेंगे, प्रॉब्लम होगा तो एक दूसरे का सलूशन बनेंगे। यस, कभी ना टूटने वाली हमारी सेना टप्पू सेना। टप्पू सेना, टप्पू सेना। बच्चों, उसे आना होता तो अब तक आ चुका होता, शायद वो वापस आना ही नहीं चाहता। एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। एनीवेज, बोर्डिंग हो चुकी है एंड आप लोग यहां पर ज्यादा देर नहीं रह सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपके दोस्त भी बाहर वेट कर रहे होंगे, सो आई गेस यू शुड लीव। थैंक यू सो मच अंकल, हमारी इतनी मदद करने के लिए। नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच अंकल, आपने बहुत आउट ऑफ द वे जाकर हमारी मदद की, वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट। आपके पासेस।
थैंक्स. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. अरे पिंकू कुछ तो बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बता भाई पिंकू, कौन है तुम्हारे असली माँ बाप? क्यों तुम हमें उनसे नहीं मिलवा रहे हो? कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? उनका असली नाम क्या है? वो आज तक गोकुल धाम क्यों नहीं आए? अपने मम्मी पापा को एक राज बनाकर क्यों रखा है तूने बाड़ा? अभी तक साफ दिखाई देने वाला हमारा दोस्त आज धुंधला दिख रहा है. क्योंकि अपनेपन की तस्वीर पे परायेपन की धूल जम गई है. अब हम पिंकू को शायद कभी नहीं मिल पाएंगे. क्या है? नहीं मिल पाएंगे मतलब? वो फ्लाइट में बैठ गया क्या? टप्पू सोनू, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ना. कोहली, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर हम जैसे ही अंदर गए फिर मुझे लगा पिंकू मेरी आवाज सुनकर रुक जाएगा, नहीं जाएगा कनाडा, हम सबसे मिलने आएगा, पर वो नहीं आया. इसका मतलब पिंकू अब हमें कभी नहीं मिलेगा. मतलब पिंकू हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा. देखो सब कुछ जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता. इसी का नाम जीवन है. अरे हमने तो पिंकू को रोकने की पूरी कोशिश की ना, पर पिंकू नहीं रुका. उसे भगवान की मर्जी समझकर उसका स्वीकार करो. घर चलते, सब लोग हमारी राह देख रहे होंगे. अफसोस, सारे प्रयास निष्फल हो गए. लगता है पिंकू के मम्मी पापा का राज राज ही रहेगा. लाख कोशिश की टप्पू सेना और चंपक चाचा ने, लेकिन नहीं रुका पिंकू. क्या संभावनाओं के सारे द्वार बंद हो गए, या फिर कोई मोड़ बाकी है? खैर ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त चंपक चाचा और टप्पू सेना के चेहरे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे फूल मुरझा गए. ये मुरझाए हुए फूल क्या फिर से खिलेंगे? क्या ऐसा सूर्योदय होगा जिससे ये फूल फिर से खिल जाए? उसके लिए तो कल के सूर्योदय का इंतजार करना पड़ेगा. आपकी हंसी बरकरार रखेंगे हम. देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए. जाने की बहुत जल्दी है क्या? अपनी दोस्ती पर इतना ही भरोसा?
थैंक यू सो मच कि तू वापस आ गया। हे टप्पू थैंक यू तो मुझे तुम लोगों को बोलना चाहिए, इतना प्यार इतना लगाव, मुझे रोकने के लिए तुम लोग एयरपोर्ट तक आ गए। लगाव तो होगा ना पिंकू, हम बचपन से दोस्त हैं। हाँ हाँ सोनू, पर शायद मैं इस दोस्ती के लायक नहीं हूँ। बहुत परेशान किया मैंने आप सबको। यार पिंकू परेशान तो हमने तुझे किया, हमने तुझे तेरे मम्मी पापा के बारे में इतना पूछा कि तू भागने भी मजबूर हो गया। देख पिंकू, अगर तुझे बुरा लगा हो तो सॉरी। टप्पू सॉरी क्यों बोल रहा है, मैं आ गया हूं ना, और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। हाँ बच्चों, जो रिश्ते कमजोर होते हैं वहां पर ऐसे शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। पिंकू फिर से एक बार थैंक यू, तूने हम सबका मान रखा और वापस आ गया। टप्पू बुलाए और पिंकू ना है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ओ एक मिनट यार, क्या हुआ? ओ पिंकू, मैं अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करके खड़ा हूँ, पर जब तक मैं तुझे एक लगाऊंगा नहीं ना, तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। लगाओ एक लगाओ। हाँ अच्छा वाह पिंकू तू आ गया, वरना हमें तो लगा था तू चला गया और हमें वापस कभी नहीं मिलेगा। अरे गोली मैं ऑलमोस्ट चला ही गया था, पर आप सबके लगाव ने मेरे कदम रोक लिए। अरे क्या हुआ पिंकू, ऐसे क्या देख रहा है? हाँ टप्पू तू सच में चैंपियन है यार, मुझे रोकने के लिए तू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर तक आ गया। सच्ची यार दोस्त हो तो तेरे जैसा। अरे चलो बच्चों चलो जल्दी गोकुल धाम चलते हैं, सब लोग वहां चिंता कर रहे होंगे। गोकुल धाम? हाँ तो गोकुल धाम ही जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं मैं गोकुल धाम नहीं आ सकता। क्यों तो गोकुल धाम क्यों नहीं आएगा? हाँ टप्पू मैंने झूठ बोला है यार, सबकी आंखों में आंख मिलाकर मैं बात नहीं कर पाऊंगा, कैसे सामना कर पाऊंगा मैं सबका? अरे कब तक सामना नहीं करेगा तू, कब तक ऐसे भागता रहेगा और क्यों? हाँ अरे परिस्थिति से हार मानकर भागना गलत बात है बेटा। और बेटा तू किससे भाग रहा है, हमसे? हम तेरे अपने नहीं है? हाँ यार, और ये तो ऐसी बात हुई कि कल उठ के तू कोई भी गलती करे झूठ बोले तो हम सबको चुप रहना है, तुझे कुछ भी नहीं कहना है, ये डर से कि भाई पिंकू को कुछ मत कहना है, वो बुरा मान जाएगा और फिर भाग जाएगा। नहीं दादाजी, आप सबको मुझे डांटने का, मेरी गलती सुधारने का पूरा हक है। चल अब गलती सुधार और हम लोग के साथ चल। देख पिंकू तुझे ठीक लगे तो ही सच बताना। हाँ। मैं बाबा को फोन करके बता देती हूँ कि हम पिंकू को लेकर आ रहे हैं। हाँ। चाचा जी और बच्चों को गए हुए बहुत टाइम हो गया है नहीं? मुझे तो लगता है हमें उनसे फोन करके पूछ लेना चाहिए, पता तो चले कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं टप्पू को फोन करता हूँ। सुनू का पुत्र। हाँ बोल सुनू बड़ा। हेलो बाबा, पिंकू मिल गया, हम उसको लेकर थोड़ी देर में गोकुल धाम पहुंच ही रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, बाय सोनू बेटा। काय हो काय चल, क्या कहा सोनू ने? सोनू ने कहा कि छोड़। अरे भाई है, क्या छोड़ा? और टीवी सीरियल की रोती बहू की तरह क्या नौटंकी कर रहा है भाई, तो बता क्या हुआ, क्या कहा सोनू ने? बापूजी ठीक तो है? अरे बोलना भाई, भेड़े चुपचाप क्या खड़ा है, पिंकू मिला के नहीं मिला बताना यार।
भिड़े भाई, बच्चे ठीक तो है ना? कुछ तो बोलिए। ओ बोला ना। माधवी, सोनू ने कहा कि पिंकू। काय? अरे बताइए ना, पिंकू साहब को सामने रोक लिया ना? हाँ। गोकुलधाम वासियों, दिल पे पत्थर रख के सुन लो के पिंकू निकल गया। निकल गया? पिंकू पापा निकल गए? क्या करेंगे? पिंकू निकल गया लेकिन कनाडा जाने के लिए नहीं, गोकुलधाम आने के लिए निकल गया है। चाचा जी टप्पू सेना पोपटलाल पिंकू को लेकर यहीं पे आ रहे हैं। वाह, क्या करता है यार भिड़े, तू क्या कर रहा है ऐसे वक्त में? तू मजाक कर रहा है भाई, क्या झटके दे रहा था, हमारी तो सांसें अटक गई थी भाई। सही बात है। अरे मुझे कितना टेंशन हो गया था बापूजी का, कि बापूजी कितनी उम्मीद के साथ गए थे कि पिंकू को रोक लेंगे, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, और तू हुआ कि यार मजाक कर रहा है, कोई वक्त है मजाक करने का भीड़ है? अरे यार सॉरी सॉरी जेठालाल, सभी को सॉरी, लेकिन क्या है माहौल इतना भारी हो गया था ना टेंशन से, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मजाक किया जाए, माहौल को हल्का किया जाए। भारी सा? अरे हल्का क्या, तूने तो माहौल को और भारी कर दिया। नहीं मैं सर, हाँ एक सेकंड के लिए तो जान निकल गई थी यार, कितना टेंशन हो गया था। सॉरी सॉरी। खैर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा पिंकू वापस आ रहा है। यस, और अब पिंकू के मम्मी डैडी के बारे में पता चल ही जाएगा। बापूजी, टप्पू सेना और सोडी की जेब यांचा। जी पड़ा। क्या जेठालाल, हमारे दीपिंग का पोपटलाल भी तो उनके साथ में गया है? तुम मुझको बोल गए कि जान मुझके सीविंग वालों को अवॉइड कर रहे हो? अरे नहीं नहीं भाई, पोपटलाल यांचा पान। अरे वाह, के बात से कितना बड़ा दिल है आप सब लोगों का, पल में सब कुछ भूल भी गए और पिंकू बाबा साहब के आने की खुशी भी मनाने लग गए। हम तो ऐसे ही है। आम्ही सगळे तुमच्याशी एवढं खोटं बोललो, फिर भी आप सब ने हमें माफ कर दिया। हाँ, वरना आज के जमाने में ऐसा कौन करे सर। और नहीं तो क्या, अभी देखिए आधी रात हो गई है, फिर भी आप सब लोग पिंकू बाबा के लिए यहाँ खड़े हैं। हमारे पिंकू साहब बड़े भाग्यवान से कि आप सब लोग उनके जीवन का हिस्सा हो। एकदम बरोबर। अरे भाई पिंकू हमारा है। बिल्कुल, वो हमारा हिस्सा था, हमारा हिस्सा है और हमारा हिस्सा रहेगा। चिंता की बात अभी भी यही है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पिंकू के मम्मी पापा का राज तो राज ही है। हाँ, ते तो छे। लेकिन अभी बापूजी पिंकू को लेके आ रहे हैं ना, तो वो राज खुल जाएगा अभी। वो खुली। हाँ पिंकू को आने दो, हम सब मिलकर उसे पूछेंगे कि उसने घेवर भाई और कमला जी को अपना नकली मम्मी पापा क्यों बनाया। अब ये राज भी खुल जाएगा अंजलि भाभी, पिंकू आ रहा है ना, सब बता देगा वो। हाँ एक बार पिंकू सच बता दे तो सबका टेंशन दूर हो जाएगा। बस कोमल भाभी, पिंकू जल्दी आ जाए। अरे क्या हुआ पिंकू बेटा, तू इतना चुप चुप क्यों बैठा है? बट अंकल, जैसे जैसे हम गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच रहे, मेरा डर बढ़ रहा है। अरे भाई चाचा जी ने तुझे इतना समझाया फिर भी डर रहा है? जैसे हम गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचेंगे, सभी लोग मेरे मम्मी पापा के बारे में पूछेंगे और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। अरे पिंकू बेटा तू चिंता मत कर, तेरे मम्मी पापा के बारे में तुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा बस। अरे पिंकू तू आज रात हमारे घर ही सो जा ना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। हाँ टप्पू सही कह रहा है, पिंकू आज रात तू हमारे घर ही रुक जा। आ गए फाइनली, आ गए गोकुलधाम में। हाँ
पिंकू क्या चल रहा है भाई, कब से कितना टेंशन में थे हम लोग। शांति रखो सब लोग, शांति रखो, पिंकू आ गया ना। देखिए हम रियली रियली वेरी सॉरी, मैंने पोपट अंकल, दादाजी और टप्पू सेना से तो माफी मांग ली है। मैं आप सबके पैर पकड़कर आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी वजह से आप सब कितना परेशान हुए, हम रियली रियली वेरी सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भिड़े अंकल, हम रियली रियली सॉरी। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। संस्कारी बच्चा है, कितना संस्कारी। लेकिन ये संस्कार इसको दिए किसने वो पता लगाना है ना। पिंकू बाबा अभी आप अपने कनाडा वाले काका को बोल दो आप नहीं आ रहे हो। हाँ बेटा अगर अभी तक नहीं बताया हो तो बता देना, वरना चिंता करेंगे वो लोग। हाँ मैं अंकल, मैं उन्हें फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ जरूर। पिंकू बेटा तुमने माफी मांग ली, हम सबने तुम्हें माफ भी कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोबारा गलती करो। हाँ। सही बात। अरे आप लोग को ऐसे बिना बताए कोई जाता है भला। पिंकू जो हुआ सो हुआ वो तो अब भूल जाओ, लेकिन बेटा आखिर तुम्हारे मम्मी पापा से जुड़ी ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम हम सबसे इतना दूर जाने के लिए तैयार हो गए। हाँ पिंकू अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तू हमसे बात कर, हम सब तेरे साथ है। ये गोकुलधाम पूरा परिवार है ना बेटा, और परिवार से कोई भला बात छुपाता है? बिल्कुल नहीं। हाँ? पिंकू तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम हम सबको बताओ तो ही तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। सही बात। पिंकू बेटा तुम्हें याद है जब भी ट्यूशन में तुम्हें कोई डिफिकल्टी होती थी और तुम मुझे बताता था तो मैं वो सॉल्व करता था। लेकिन बेटा अगर तुम अभी डिफिकल्टी बताओगे ही नहीं, प्रॉब्लम क्या है वो बताओगे नहीं, तो हम लोग तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। हाँ। भिड़े अय्यर, मैं तो जेठिया पिंकू से अभी उसके मम्मी पापा के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। अभी नहीं तो कभी। अय्यर भाई बापू जी ने बोला ना अभी नहीं है यार, फिर भी आप पूछ रहे कभी। है ना किधर पूछा जेठालाल, तुमने पूछा। मैंने देखा आप पूछने ही वाले थे। टप्पू सेना जा घर जाओ और जाके सो जाओ। टप्पू बेटा पिंकू को घर लेके। हाँ दादाजी चल पिंकू। हमला बेटी घेवर तुम लोग भी घर जाओ, पिंकू आज हमारे घर पे ही रहेगा, उसका सामान लेकर तुम लोग निकलो, रात बहुत हो गई। जी चाचा जी चल पिंकू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चलने लेना। हाँ गुड नाइट। चल गुड नाइट। गुड नाइट गोली। गुड नाइट। गुड नाइट। चाचा जी माफ करना लेकिन एक सवाल जरूर करना चाहता हूँ आपसे, आपने हम सबको पिंकू के मम्मी पापा के बारे में पूछने से रोका क्यों? हाँ चाचा जी यही तो समय था पिंकू से बात करने का, पर आपने उसे ही घर भेज दिया। देखो इन सब बारे में बात करने का अभी सही समय नहीं। चाचा जी ये क्या बात हुआ, जब हम लोग पिंकू के घर से आए थे तब भी आपने यही कहा था कि उसके माता पिता के बारे में पूछने का ये सही समय नहीं है, अभी इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप यही कह रहे कि ये सही समय नहीं है, ये बात मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। अरे उसमें ना समझने वाली क्या बात है यार, अरे भाई पिंकू को नहीं बताना है तो नहीं बताना है, होगी उसकी कोई परेशानी तो नहीं बता रहा है, हम उसमें कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी कर सकते।
नहीं नहीं चाचा जी, जोर जबरदस्ती का कोई बात ही नहीं है, हम तो उससे प्यार से पूछ रहे थे। अरे नहीं नहीं चाचा जी, गलत तो है। नहीं आप देखिए ना, पिंकू अब तक छुपा रहा है, मतलब आप उसे एयरपोर्ट से लेके आए तब तक वो छुपा रहा है, आप उसे छुपाने दे रहे हो, ये तो ठीक नहीं है ना। अरे पता तो चलना चाहिए ना चाचा जी कि ऐसा क्या है वो जो बता नहीं रहा है। सबको बहुत टेंशन है चाचा जी। हाँ, और ये एकदम करेक्ट टाइम था जो हमने मिस कर दिया। मुझे तो लगता है अभी पूछना चाहिए था। अभी पता नहीं कि दिमाग में क्या चल रहा है। पूछना चाहिए था हमें चाचा जी। अभी वो हो गए थे, पूछ लेते तो अच्छा था। बहुत बहुत अरे अय्यर भाई सुनो, बापू जी बोल रहे हैं, बात सुनो उनकी। देखिए सुन, देखो मैंने कहा ना, अभी पिंकू से कुछ भी पूछने का ये सही समय नहीं। उसकी मनस्थिति ठीक नहीं, इसलिए बार बार पूछ के उसकी परेशानी मत बढ़ा। देखना सही समय आने पर वो हम सबको सच बता दे। ठीक है चलो, अभी सब लोग घर जाके सो जाओ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे भिड़े, अपना कल तो अभी 27 जनवरी है, तो तू फ्री होगा ना? फ्री मतलब सोसाइटी के ही काम होगे। बोलो ना क्या काम है, बोलो। नहीं तो कल सखारा में पेट्रोल भरा लेना। चलिए मित्रों, भगवान का नाम लेकर शांति से सो जाते हैं, क्योंकि चंपक चाचा ने तो हमें मना कर दिया है कि पिंकू से उसके मम्मी पापा के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। हम तो सो जाएंगे, लेकिन शायद पिंकू आज की रात नहीं सो पाएगा। पिंकू के लिए आज की रात बड़ी भारी है। आज की रात मुझे लगता है पिंकू ये सच जरूर किसी को बता देगा, अपने मम्मी पापा से जुड़ा है राज किसी न किसी से जरूर बता देगा। जिंदगी में कोई भी बोझ कोई भी टेंशन मन में नहीं रखना चाहिए, परिस्थितियों और सच्चाई का डट के मुकाबला करना चाहिए। अपनों से अगर आप कोई भी टेंशन बांट लें तो मन हल्का हो जाता है, लेकिन इस वक्त मेरा मन ये कह रहा है कि पिंकू जरूर ये राज किसी न किसी को बताएगा, लेकिन किसको बताएगा, कैसे बताएगा, कब बताएगा, ये जानने के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे बस यार पिंकू, अब सोचना बंद कर। ये देख मैं तेरे लिए हॉट चॉकलेट बना कर लाया हूँ, पी के देख मजा आएगा। वाह वाह वाह, देखा बापू जी, चॉकलेट वाले दूध की पार्टी हो रही है यहाँ पे तो। हाँ बैठ 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 जा। हाँ बेटा, अरे बैठ जा बैठ जा। ये अच्छा किया टपू तूने। चलो अभी दोनों जल्दी से दूध पी लो और अंदर जाके सो जाओ। हैं, मैं आज बाहर सोफे पे ही सो जाऊँ। अरे नहीं नहीं बापू जी, आप मेरे कमरे में सो जाइए ना। अरे नहीं भाई, नहीं तेरे कमरे में नहीं सोना है, तेरे खर्राटे पूरी रात मुझे सोने नहीं देंगे। मैं खर्राटे लेता हूँ? किसने बोला? किसने बोला क्या, तुझे पता नहीं है तू कितने खर्राटे लेता है? पूरी रात खर्राटे लेता है। तो ठीक है, काम कीजिए ना, आप मेरे कमरे में सो जाइए, मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, किसी को सोफे पे सोने की जरूरत नहीं है। दादाजी आप मेरे बेड पे सो जाइए, मैं और पिंकू आपके बेड पे सो जाएंगे। हाँ दादाजी। हाँ ये भी ठीक है, ये बराबर है बापू जी। ठीक है तो मैं भी तुम लोग के साथ ही सो जाऊंगा। चलो जल्दी से दूध पी लो। ओके। हाँ और डब्बू बेटा, तू पिंकू को जरा अपना एक नाइट ड्रेस दे देना। ठीक है दादाजी। वाह मुबारक है। नहीं अच्छा सोचा आपने। चलो भाई जल्दी जाके सो जा। चलो सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बापू जी, शुभ रात्रि। चलो अंजलि, गुड नाइट। क्या गुड नाइट तारक, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है अंजलि। तारक, चाचा जी ने तो कह दिया कि फिलहाल पिंकू से कोई कुछ भी नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे तो बिना पूछे रहना कठिन है ना। हाँ लेकिन अंजलि, चाचा जी ने कुछ सोच समझ के ही कहा है ना। बात तो आपकी सही है तारक, लेकिन जब जब पिंकू मेरी आंखों के सामने आएगा ना, तब तब मेरे मन में एक ही सवाल उठेगा कि पिंकू के असली माता पिता है कौन। ये सवाल सिर्फ तुम्हारे ही मन में नहीं उठेगा अंजलि, सबके मन में उठेगा। लेकिन पिंकू अभी बच्चा है, भोला है, हम उस पे प्रेशर भी नहीं डाल सकते ना। हाँ पर प्यार से भी तो पूछा जा सकता है ना। हाँ अंजलि पूछ सकते हैं, लेकिन चाचा जी ने कहा ना कि हमें नहीं पूछना चाहिए। और चाचा जी ने बिल्कुल ठीक कहा अंजलि, वो इस राज को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगा, जब उसका दिल भर जाएगा खुद बता देगा। हाँ पर वो दिन वो पल कब आएगा? मेरा अनुभव तो ये कहता है अंजलि कि
आज की रात पिंकू के लिए बड़ी भारी है। मुझे तो लगता है कि अपने मम्मी पापा से जुड़ा हुआ ये राज तो आज की रात ही चंपक चाचा या टप्पू को बता देगा। आई रियली विश तारक के ऐसा ही हो, राज के बादल जल्दी से हट जाए और हमें खुशी के चंदा मामा जल्दी दिखे। अरे बाबा साहब, ये भागने वाली बात सही ना है। आपने सोचा है कि अगर आप भागोगे तो जाओगे कहाँ? और बाबा आप किससे भाग रहे हो? क्या गोकुलधाम सोसाइटी इतने लोकांपसुन? नहीं बाबा, उन्होंने आपको इतना प्यार दिया है। हम सब बड़ो कबूल था, हम सब ने तुझे कभी डांटा होगा, फटकारा होगा, लेकिन ये चार, अरे ये चारों तो तेरी आसपास की चार दीवार जैसे हैं। टप्पू सेना ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया पिंकू, तो सब कुछ भूल गया तू? अरे कब तक सामना नहीं करेगा तू? कब तक ऐसे भागता रहेगा? और क्यों? हाँ, अरे परिस्थिति से हार मानकर भागना गलत बात है बेटा। और बेटा तू किससे भाग रहा है? हमसे? हम तेरे अपने नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलो जाता है। सॉरी जेठन। अरे बेटा मैं तुझसे छोटा हूँ। पैर नहीं, पैर नहीं, पैर नहीं। अपनों की फीलिंग से खेलने का मुझे कोई हक नहीं है। मैंने सोचा था जो कर रहा हूँ सबकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। मैं कितना गलत था, सबको दुखी कर दिया। नहीं, पर अब दुखी नहीं करूंगा, मुझे सच बता देना चाहिए। दादाजी कौन? मैं। को बेटा क्या हुआ? दादाजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? अपने मम्मी पापा के बारे में। हाँ तो बोल। आजा बेटा, बैठ। बता क्या बात? देख पिंकू, तू कुछ भी कहे उससे पहले एक बात समझ, वो भी जो भी बताएगा सिर्फ मुझे नहीं इनको भी बताएगा, इसलिए सोच समझ कर सारे डर भुला कर सच बता। जी दादाजी। दादाजी कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख देख बेटा, मैं क्या कहूंगा, मैं क्या सोचूंगा, ये सारी बातें भुला कर बता। दादाजी मेरे पास दूसरे बच्चों की तरह मम्मी पापा का सुख नहीं है। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात के लिए तू हम सबको छोड़ के भाग रहा था? तो और क्या करता मैं दादाजी? अरे बेटा, इस दुनिया में तेरे जैसे और कितने बच्चे हैं जिनको माँ बाप का सुख नहीं है, तो वो सब क्या तेरी तरह करते हैं, झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं? मैं तो तुझे बहुत ही होशियार और समझदार बच्चा समझता था, लेकिन तू तो बहुत ही कमजोर और निर्बल मन का निकला बेटा। नहीं दादाजी ऐसा नहीं है, पर दादाजी
मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो झूठ बोला, और जब पकड़ा गया तो हम सबको छोड़कर कनाडा जाने के लिए निकल गए। तुझे पता है पिंकू, भगवान जब हम सबको जन्म देते हैं, इस दुनिया में भेजते हैं, तब हमारे कान में कहते हैं कि जा बेटा जा। मैंने इस दुनिया में तेरे जैसा और कोई मनुष्य नहीं भेजा, तू सबसे अलग है। हिम्मत रख, डर मत जाना, और हाँ मुझ पे भरोसा रखना। लेकिन बेटा जब हम भगवान पर भरोसा नहीं रखते, परिस्थिति का स्वीकार नहीं करते, तब भागने की जरूरत पड़ती है। मैं अकेला पड़ गया हूँ। अरे बेटा किसने कह दिया कि तू अकेला है? मुझे ऐसा ही लग रहा है। इधर आजा। एक बात समझ ले पिंकू बेटा, इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं, सबके साथ कोई ना कोई है। जिसके साथ कोई नहीं है ना, उसके साथ भगवान। इस दुनिया को पालने वाला कौन है बेटा? भगवान है ना, तो फिर हमें इन पे भरोसा रखना चाहिए। वो सबके साथ, तेरे साथ भी है, तू अकेला नहीं है बेटा। पर दादाजी जब मुझे भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भगवान मेरे साथ क्यों नहीं थे? क्योंकि तूने झूठ का सहारा लिया था बेटा। अरे वो तेरी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन तू फेल हो गया। पर अब मैं पास होना चाहता हूँ दादाजी। उसके लिए तो बेटा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अपना पड़ता है बेटा इस दिए की तरह। सच की लौ जलती रहे, इसलिए इसमें बार बार हिम्मत का घी डालना पड़ता है, तब जाकर मन में रोशनी होती है। और जब मन के अंदर रोशनी होती है तो फिर हमें किसी का भी डर नहीं रहता, अकेलापन भी महसूस नहीं होता। सत्य के दिए का उजाला कुछ अलग ही होता है बेटा। दादाजी मुझे समझाने के लिए, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच। और दादाजी अब मैं आपको सब सच बताना चाहता हूं। तूने सच बताने की हिम्मत दिखाई, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आजा आजा बैठ। बता बेटा। दादाजी मेरा पूरा नाम पंकज दीवान सहाय है। दादाजी मैं अपने मम्मी पापा के बारे में ज्यादा नहीं जानता। हाँ दादाजी सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, पर यही सच है, मैं अपने मम्मी पापा के बारे में ज्यादा नहीं जानता। इनको तू फिर से कोई कहानी तो नहीं बना रहा है ना? नहीं नहीं दादाजी, मैं सिर्फ और सिर्फ सच बता रहा हूँ। अच्छा बता, तेरे मम्मी पापा रहते कहाँ हैं? नहीं पता। काम क्या करते हैं? वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनका ट्रांसफरेबल जॉब है, कभी दिल्ली कभी बेंगलोर तो कभी मद्रास, और कभी कभार तो आउट ऑफ इंडिया भी जाना पड़ता है। अच्छा मुझे ये बता, वो दोनों तुझसे मिलने तो आते हैं ना? हाँ दादाजी आते हैं, पर दोनों साथ में नहीं आते।
जब मम्मी आती है तब पापा नहीं आते और जब पापा आते हैं तब मम्मी नहीं आती। क्यों? पता नहीं। अच्छा दोनों साथ तो रहते हैं? शायद साथ में नहीं रहते। अच्छा दोनों साथ तो रहते हैं? शायद साथ में नहीं रहते। छूटा छेड़ा लिया है वो, मतलब तलाक लिया है? पता नहीं, पर जब भी मम्मी से पापा की बात करता हूँ तो वो बात टाल देती है और जब भी पापा से मम्मी की बात करता हूँ तो वो बात टाल देते हैं। अरे वो भले ही टालते रहे, मुझे तो पूछना चाहिए ना। दादाजी ज्यादा पूछूंगा तो शायद उन्हें दुख होगा, उस डर से कभी पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। मैंने चाचा जी से भी मम्मी पापा के बारे में बहुत बार पूछा पर उन्होंने भी कभी ठीक से जवाब नहीं दिया। मम्मी पापा अलग अलग आते। अच्छा मुझे ये बता, तेरे मम्मी या पापा जब भी आते हैं तब वो तेरे साथ कैसे रहते हैं, मतलब उनका व्यवहार कैसा होता है? दादाजी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मेरी हर जरूरत का पूरा ख्याल रखा है। पहले क्या था ना, मैं गोकुलधाम में चाचा जी के साथ रेंट पर रहता था, फिर जब चाचा कनाडा शिफ्ट हो गए तो मम्मी पापा ने घेवर चाचा और कमलाताई को मेरा ध्यान रखने के लिए काम पर रख लिया। लेकिन ये सब बातें तो तू पहले भी बता सकता था ना बेटा, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? दादाजी मैं सबको क्या बताता कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते। मम्मी आती है तो पापा नहीं आते, पापा आते तो मम्मी नहीं आती। सब मेरे मम्मी पापा के बारे में क्या सोचते, सब उनके बारे में तरह तरह की कहानियां बनाते। और दादाजी कोई भी मेरे मम्मी पापा के बारे में भला बुरा बोले वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। दादाजी कुछ भी हो वो है तो मेरे मम्मी पापा ना। दादाजी लोग मेरे बारे में क्या कहते, वो देखो वो रहा बेचारा पिंकू। दादाजी सब मुझे मजबूर समझते और मैं सबके सामने मजबूर नहीं दिखना चाहता था। अरे इसमें मजबूर होने की कहां बात आई, जो सच है वो सच है। दादाजी पर सब मुझे लाचार बेचारा समझते, और तो और दादाजी मेरा भाई जैसा दोस्त टप्पू वो भी मुझे बेचारा समझता। अरे कोई तुझे बेचारा नहीं समझता पिंकू, तू गलत सोच रहा है। अरे जो परेशानी है ही नहीं उसे तू परेशानी बनाकर बैठा है। मतलब? अरे बेटा इस दुनिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप ही नहीं है, अनाथ हैं, और ऐसे भी कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने तलाक लिया हुआ है, साथ नहीं रहते, तो वो सब क्या बेचारे हैं, जिंदगी से हार मान लेते हैं? नहीं दादाजी। अरे रंगीन दुनिया तेरे साथ है, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तेरे साथ है, तो तू बेचारा कैसे हुआ? हाँ दादाजी आप सही कह रहे, मैं खामखा परेशान हो रहा था, मैं बेचारा बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, मेरा गोकुलधाम परिवार तो मेरे साथ है ना। आप हो, मेरा भाई जैसा दोस्त टप्पू है, जेठा अंकल है, भिड़े अंकल है, माधवी आंटी है, मेरी पूरी टप्पू सेना है। आप सब लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, गोकुलधाम में मेरा दिन कहाँ बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते, बस लोग क्या कहेंगे ये सोचकर थोड़ा घबरा जाता हूँ। अब तो कोई डर नहीं है ना बेटा? बिल्कुल नहीं दादाजी, लेकिन दादाजी जब सब लोग मेरे मम्मी पापा के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं उन सबको क्या कहूँ? मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते उसका मैं क्या जवाब दूँ? दादाजी मैं उनकी मजबूरी तो नहीं हूँ ना, शायद इसीलिए वो लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। दादाजी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं मेरे मन में। चल एक काम करते हैं, तेरे सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तेरे पापा को फोन लगा। क्या अभी? हाँ हाँ, अरे फोन लगा तू, डर मत, मैं बैठा हूँ ना। पर दादाजी मैं उनसे बात क्या करूँ? तू उनसे बोल के तू मम्मी और पापा दोनों को एक साथ मिलना चाहता, तू उनसे कोई जरूरी बात करना चाहता है। पर दादाजी अभी बहुत रात हो चुकी है। अरे बेटा मम्मी पापा से बात करने के लिए बच्चों को वक्त नहीं देखना चाहिए, तू मन में कोई भार मत रखना, फोन लगा और बात कर। लेकिन दादाजी तू फोन लगा ना बेटा। ठीक है।
उठा रहे दादाजी को, तो फिर से फोन ले और जब तक ना उठाए तब तक करते रहे, और अभी स्पीकर पे रखो। हाँ लेट। हेलो सब ठीक तो है, इतना लेट फोन किया? हाँ पापा सब ठीक है, बस आपकी और मम्मी की याद आ रही थी इसीलिए कॉल किया। अच्छा वो पापा आप और मम्मी मुझे कल मिलने आई है ना, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। सॉरी बेटा मम्मी के साथ आना तो पॉसिबल नहीं होगा। पापा प्लीज, पापा प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट पापा, पापा कल आप प्लीज मम्मी के साथ आइए ना, मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। बेटा फिर वही बात, मैं नहीं आ सकता। अरे क्यों नहीं आ सकते? आपका बेटा आप लोगों से मिलने की इच्छा जता रहा है, उसे आप लोगों से कोई जरूरी बात करनी है और आप मना कर रहे हैं। मैं जान सकता हूँ कि आप मना क्यों कर रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं गोकुलधाम सोसाइटी से चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा बोल रहा हूँ। आप लोगों को पता भी है कि आपके बेटे पे क्या बीत रही है, और मुझे ये बताइए कि आप क्यों नहीं आ सकते? जी मैं फ्री नहीं हूँ। आप फ्री नहीं? अरे सिर्फ जरूरतें पूरी कर देने से माँ बाप नहीं बना जाता, संतानों के लिए प्रेम का रोकान करना पड़ता है। लेकिन आप तो फ्री नहीं है ना? ठीक है आपको अपने बेटे की परवाह नहीं है ना सही, लेकिन मुझे है। आप लोग कल नहीं आ सकते ना? कोई बात, परसों तो आ सकते हैं ना। परसों सुबह 11 बजे तक आप और पिंकू की मम्मी दोनों साथ में पिंकू से मिलने नहीं आए तो उसके बाद मैं पिंकू को गोद ले लूंगा, गोद ले लूंगा, गोद ले लूंगा, गोद ले लूंगा। तो मित्रों आखिरकार पिंकू ने अपने मम्मी पापा से जुड़ा राज बता ही दिया, लेकिन आपको क्या लगता है पिंकू ने जो बताया है उसमें सब कुछ बता दिया? मुझे लगता है पिंकू ने और सवाल खड़े कर दिए, और सबसे बड़ी बात चंपक चाचा ने पिंकू के पापा से बात करके फरमान जारी कर दिया है कि परसों 11 बजे तक अगर वो नहीं आए तो पिंकू को गोद ले लें। देखते हैं क्या होता है आगे इस प्रकरण में। लेकिन मित्रों जिंदगी में परेशानियां मुसीबतें आती हैं, लेकिन मुसीबतों का मुकाबला डट के करना चाहिए, मुसीबतों के सामने सीना तान के खड़े रहना चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, अच्छा होगा जरूर होगा ये विश्वास हमेशा रखना चाहिए। अब देखते हैं कि चंपक चाचा के इस फरमान का गोकुलधाम निवासियों पे क्या असर होता है, क्या पिंकू के पापा आएंगे, क्या पिंकू को चंपक चाचा गोद लेंगे, सवाल बहुत सारे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। जो भी होगा वो होगा हंसी और ठहाकों के साथ, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। मैं पिंकू को गोद ले लूंगा। आप क्या बोल रहे हैं भाई? जो आपने सुना, परसों सुबह 11 बजे तक आप दोनों अगर पिंकू से मिलने नहीं आए तो उसके बाद पिंकू का माता और पिता दोनों मैं ही कहलाऊंगा। ले दादाजी ये आपने क्या किया? एक पिंकू बेटा तू चाहता है ना कि तेरे मम्मी पापा दोनों साथ में तुझसे मिलने आए। हाँ तेरे मन में जितने भी सवाल है उनके जवाब मिल जाए। हाँ तो बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, मैं तेरे मम्मी पापा को यहाँ बुला के रहूंगा। मेरा मन कहता है कि वो लोग आएंगे, जरूर आएंगे, बस जैसा मैं कहता हूँ ना वैसे करते जा। ठीक है दादाजी, लेकिन दादाजी अगर वो लोग नहीं आए तो मैं हूं ना। चल अब सो जा। हाँ जी, पापा का फोन। तो उठा उठा बात कर और स्पीकर पे रखना। जी पापा। ये सब क्या है पंकज, कहाँ गए वो भाई साहब? हाँ बोलिए, मैं यही हूँ। देखिए आप ठीक नहीं कर रहे हैं ये। मैं जो कर रहा हूँ वो सोच समझ के कर रहा हूँ। आप मेरे बेटे को उकसा रहे हैं। नहीं पापा, मुझे कोई उकसा नहीं रहा है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ,
परसों 11 बजे तक अब मम्मी के साथ आ जाइए, वरना जैसा दादाजी ने कहा है वैसा ही होगा। मैं खुशी खुशी उनका बेटा बन जाऊंगा। हेलो 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 पंकज। थैंक यू दादाजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ हाँ, चल अब चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। हाँ चल, क्या कसम यार। आइए आ जाओ। अभी सो जा और चिंता मत करना है, तेरे मम्मी पापा तुझसे मिलने जरूर आए। दादाजी को मन की बात बताकर अब बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा प्लीज जल्दी आना। वाह, सुबह सुबह गोकुलम सोसाइटी की बात ही निराली होती है। सॉरी, क्या कर दिया सोड़ी? और कर मस्ती। मेरी मस्ती मुझे ही भारी पड़ गई। और सुबह सुबह किस तरफ? रात को चाचा जी ने गड्डी इधर ही पार्क कर दी थी, तो गड्डी को गड्डी की जगह बाहर पार्क करने जा रहा। अच्छा, तो वैसे रोशन डार्लिंग ने बताया था रात को बड़ी भागम दौड़ हो गई थी। हाँ भाई, बहुत पूछ मत। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है पिड़ू। अपना पिंकू मुंडा वापिस आ गया ना, ये बहुत बढ़िया हो गया यार। नहीं वाकई वाकई, इसलिए मैं भी भगवान से प्रार्थना करने गया। चलो प्रसाद ले लो। बस भगवान करे पिंकू को उसके पेरेंट्स को लेकर जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाए, उसका सारा तनाव दूर हो जाए और खुश रहे। उसकी खुशी में ही अपनी खुशी है यारा। हाँ करे। क्या बोला तुमने? उसकी खुशी में ही अपनी खुशी है यारा। वाह 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 सूरी, क्या बात है, अप्रतिम सुविचार दे दिया तुमने। वाह थैंक यू। ओ कोई गल नहीं यार, यारों के लिए कुछ भी। कोई काम कर, तू विचार लिख, मैं तब तक गड्डी पार करके आता हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग बड़े मास्टर। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग आती भाई, कोमल भाभी गुड मॉर्निंग। और आती भाई, सुबह सुबह पति पत्नी कहाँ घूमने जा रहे? अरे नहीं नहीं, हम लोग घूमने नहीं जा रहे, हम लोग सरस्वती स्कूल जा रहे। वहाँ आज मैं बच्चों को लेक्चर देने वाला हूँ, तो सोचा कोमल को भी साथ ले जाऊं। ये तो गलत बातें आती भाई, अगर आप डॉक्टर लोग लेक्चर देने लगे तो हम शिक्षक लोग क्या दवाई बेचेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बड़े मास्टर, वो फर्स्ट एड के ऊपर लेक्चर है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ओ अच्छा अच्छा। वैसे आती भाई, आने वाले वर्ल्ड हेल्थ डे पे ना ऐसे ही फर्स्ट एड पे लेक्चर रखेंगे सोसाइटी में। हाँ जरूर जरूर, फिलहाल हम लोग चलते हैं बड़े मास्टर, वरना स्कूल पहुँचने में देर हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, स्कूल में देरी से नहीं पहुंचना चाहिए। चलो चलो, सही चलो। बात है। चलो बाय बाय बाय। दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है। वाह विचार। भाई वन सेकेंड थैंक यू। वन सेकेंड कोई गल नहीं यारा, और दोस्तों के लिए कुछ भी। चल गेट पर आगे चलते हैं। क्यों? वो पिंकू वही है ना, तो उससे उसके मम्मी डैडी के बारे में पूछ के आते हैं। नहीं नहीं सोड़ी, चाचा जी ने कल साफ साफ बोल दिया कि पिंकू को उसके पेरेंट्स के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है यार, जैसे तू बोले। नहीं सर, मैंने चाचा जी ने बोला है भाई। वो पिंकू से उसके हालचाल के बारे में तो पूछ सकते हैं। हाँ हालचाल पूछे तो जा ही सकते है, वैसे भी कल पिंकू रात को वही सोया था। चल जाते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। कहाँ जा रहे? वो जरा जेठा के घर जाके आते। तो बाद में जाइए ना, नाश्ता रेडी है, मस्त गर्मा गर्म पोहे बनाए हैं और चाय भी। सोड़ी भाई आप भी आइए ना, मैं रोशन भाभी को भी बुला लेती हूँ। हाँ जी भाभी, पहले जेठा के घर जाते हैं फिर आपके यहाँ नाश्ता करने आ जाएंगे। सोड़ी भाई अभी खाने का नाम लिया है तो पहले खा लेते हैं ना, आइए आइए। नहीं नहीं बरोबर है, थोड़ी पहले चाय नाश्ता कर लेते, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ बाद में जाते हैं। ओके चलो आ जाओ माधवी रानी जी। फिर मैंने पिंकू के पापा को बोल ही दिया कि आप दोनों को साथ में यहाँ आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं पिंकू को गोद ले लूंगा। अब देखना उनको आना ही पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो हिम्मत रखना पिंकू जी। दादाजी चलो जाओ। अच्छा दादाजी,
पहले हम मेरे घर जाएंगे, फिर वहां से कॉलेज के लिए जाएंगे। हाँ ठीक है, जाओ संभल के जाना। हाँ दादाजी, चल बिंकू। दादाजी बिंकू बेटा क्या हुआ? थैंक यू सो मच दादाजी। अरे थैंक यू अभी नहीं बेटा, कल तेरे मम्मी पापा आ जाए ना उसके बाद थैंक यू बोलना है। ठीक है जाओ 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 जाओ, वरना कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। हाँ हाँ चल चल चल। दादाजी हाँ? आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। क्या लगता है आपको, कल सच में पिंकू के मम्मी पापा आएंगे ना? हाँ हाँ बेटा आएंगे, जरूर आएंगे। अरे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अपने से दूर होता हुआ थोड़ी देख सकते हैं, और खुद के होते हुए किसी और को थोड़ी गोद लेने देंगे। हाँ दादाजी, पर आप जरा सोचिए, 1% भी ऐसा हो जाए कि पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो? जी मैं फ्री नहीं हूँ, फ्री नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, वो लोग जरूर आएंगे। यानी अगर पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो आप उसे गोद ले लेंगे ना? और गोद लेने वाली बात आपने ऐसे ही तो नहीं कही ना, क्योंकि मम्मी पापा भी नहीं आएंगे और आप उसे गोद भी नहीं लेंगे तो उसे कैसा लगेगा, उसका दिल टूट जाएगा दादाजी। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं थोड़ी पिंकू का दिल टूटने दूंगा। अरे जबान दिया मैंने कि मैं पिंकू को गोद लूंगा, और एक कच्ची माड़ू की जबान हिमालय पर्वत की तरह अड़ग होती है, समझा? यस लव यू दादाजी, आप वर्ल्ड के बेस्ट दादाजी हो। चल जा अभी देर हो जाएगी। हाँ हाँ बाय दादाजी। हाँ चिंता मत करना। बाय। ये टपूरा की बात तो सही है, अगर पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो मुझे आगे की तैयारी तो करके रखनी पड़ेगी। बच्चे को गोद कैसे लिया जाता है वो जानना पड़ेगा। किससे बात करूं? हाँ मेहता को पूछता हूँ, उसे पता हो। जेठालाल आज लैंडलाइन से कैसे फोन कर रहा? हाँ भी जेठालाल। हाँ मैं तो मैं बोल रहा हूँ। चाचा जी आप सुप्रभात। सुप्रभात चाचा जी। हाँ सुप्रभात। आज सुबह सुबह आपने फोन करने की तकलीफ कैसे की चाचा जी? वो तुझसे एक सलाह लेनी। हाँ बोलिए ना। अच्छा किसी को कोई बच्चा गोद लेना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बच्चा गोद लेने के बारे में कैसे पूछ रहे चाचा जी, अचानक ये सवाल? अरे तू बताना भाई, क्या है ना मेरा एक दोस्त है उसे इसके बारे में जानकारी चाहिए इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ दोस्त को आप ये कह दीजिएगा कि भाई इसका एक प्रोसीजर होता है, वैसे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती लेकिन क्या कानूनी कार्रवाई होती है, तो इसके लिए किसी वकील को अगर हायर कर लेंगे तो बहुत ठीक रहेगा, वकील सारी कानूनी कार्रवाई कर लेंगे। अच्छा मतलब बिना वकील के कुछ नहीं हो सकता? नहीं नहीं वकील बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्रवाई होती है ना चाचा जी, इसलिए। ठीक है चल रखता हूँ। ठीक है ठीक है। ओके तारक। हाँ। आप अभी तक नहाने नहीं गए? अरे जा ही रहा था कि चाचा जी के फोन ने रोक लिया भाई। चाचा जी का फोन सुबह सुबह? हाँ पाने सुबह सुबह पूछ रहे थे भी बच्चा गोद लेना हो तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। बच्चा गोद लेने का प्रोसीजर? हाँ कह रहे थे उनके किसी दोस्त को बताना है, मैंने भी बता दिया। चाचा जी का ये विचार उनके दोस्त के लिए हो तो ठीक है, वरना कहीं जेठा भाई पे कोई नई मुसीबत ना आ जाए। बोल बोल बागा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग सेठ जी, आप कहाँ हो? मैं दुबई में। अब दुबई कब पहुँच गए? अभी 5 मिनट पहले। अच्छा तो सेठ जी आते वक्त मेरे लिए एक ऊँट लेके आएंगे प्लीज? क्या मजाक कर रहा हूँ सेठ जी, आते वक्त मेरे लिए खजूर लेके आएंगे प्लीज? खजूर? मैं कोई दुबई में नहीं हूँ, मुंबई में हूँ, वो भी घर पे हूँ। अब घर पे हो? तो सुबह सुबह इंसान घर पे ही होगा ना भाई, और कहाँ होगा? नहीं आप सेठ जी हो सेठ जी, आपने कहा आप दुबई में हो तो मैंने मान लिया कि आप दुबई में हो। अच्छा बोल चल फोन क्यों किया? नहीं मैंने तो सिर्फ ये जानने के लिए फोन किया है सेठ जी कि आज आप दुकान आने वाले हो। हाँ दुकान तो आऊंगा भाई, वैसे भी सोसाइटी में शांति है, पिंकू को अपने मम्मी पापा के बारे में बताना होगा तो बताएगा, लेकिन काम तो चालू रखना पड़ेगा ना। पिंकू के मम्मी पापा का क्या हुआ? उसको काम है।
नहीं ना कुछ नहीं, वो एक लंबी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा। तू भाई ऐसा पंचा छोड़, तू मुझे ये बता तूने मुझे ऐसा क्यों पूछा? आज आप दुकान आने वाले हैं? दुकान तो मैं रोज आता ही हूँ ना, कहीं बावरी के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहा है क्या? नहीं 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 सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों पूछा, आज आप दुकान आने वाले हैं? वो दरअसल मैं आपसे ये पूछने वाला था सेठ जी कि आप दुकान कितने बजे आने वाले हैं? क्यों? वो बस ऐसे ही, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था सेठ जी, इसलिए। ओके बाय। ये नक्की कोई प्रोग्राम बना रहा होगा। बाप रे, सेठ जी तो अंतर्यामी है, तुरंत पकड़ लिया। सुप्रभात बापूजी। सुप्रभात। क्या हुआ, कोई टेंशन है? नहीं तो क्यों? नहीं, रोज सुबह आपके चेहरे पे जो ताजगी की चमक होती है, आज थोड़ी कम दिखाई दे रही है। कल रात को ठीक से नींद नहीं हुई थी। पिंकू भी खराटे लेता है? अरे नहीं भाई। तो वैसे कहाँ है, कहाँ पिंकू और टप्पू? अरे वो दोनों तो कब के कॉलेज भी चले गए। वो तो मैं रात को थोड़ा देर तक जाग रहा था, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। अपू जी, कभी कभी आप बहुत टेंशन ले लेते हैं। कल भी आपने पिंकू की वजह से कितनी भागा दौड़ी की, और कल रात को आप देर से सोए, थोड़ा लेट उठना था ना। जिठिया, मुझे तुझसे बात करनी। हाँ बोलिए बाबू जी। अब बैठ जी। मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वाह वाह बापू जी, वाह वाह वाह। हाँ वाह, क्या कर रहा है, पहले बात तो सुन ले। बापू जी, आप बापू जी है, आपने जो भी निर्णय लिया होगा वो सही ही होगा, आप कभी कोई गलत निर्णय ले ही नहीं सकते। अरे तू सुन ना भाई। हाँ बोले बोले सर। मैं निर्णय बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे वकील से मिलना है। अपने महेश भाई वकील, सूरत वाले। अरे भाई उनकी तो सिर्फ अटक वकील है, मुझे तो जो वकालत करता हो ऐसा वकील चाहिए। अच्छा वकील? हाँ। कि बाबू जी, अचानक आपको वकील की क्या जरूरत पड़ गई? है कुछ काम? तू जानता है किसी अच्छे वकील को? हाँ जानता तो हूँ, लेकिन आपको किस टाइप का वकील चाहिए? तो वकील वकील होता है, किस टाइप का क्या? नहीं नहीं, मतलब आपको सादा वकील चाहिए के? अरे वो कोई डोसा थोड़ी है जो सादा और मसाला होगा, वकील वकील होता है। नहीं नहीं बापूजी, मैं आपको समझाता हूँ वकील क्या होता है। अच्छा, मतलब वकील क्या होता है वो तू मुझे समझाएगा? नहीं नहीं बापूजी, वकील क्या होता है वो नहीं समझा रहा हूँ, किस टाइप के वकील होते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। क्या है कि अलग अलग केस के लिए अलग अलग वकील होते हैं, जैसे कुछ वकील क्रिमिनल होते तो वो लोग क्या है, ये खून चोरी गुंडागर्दी उसका केस लड़ते। मुझे क्या लगता है, मैंने कोई चोरी या गुंडागिरी की है? नहीं नहीं बापूजी, मैं खाली बता रहा हूँ किस टाइप के वकील होते हैं। फिर कुछ वकील ऐसे होते हैं जो वो पति पत्नी का जो तलाक होता है उसका केस लड़ते हैं, कुछ जमीन जायदाद के झगड़े होते हैं उसका केस लड़ते हैं, ऐसा कह रहा हूँ। तो क्या इस तरह अलग अलग टाइप के वकील होते हैं, तो आपको किस टाइप का वकील चाहिए? अच्छा, आपको विल बनाना है? अगर आप बताएंगे बापूजी के एग्जैक्टली आपको काम क्या है, तो उस हिसाब से मैं आपके सामने वो टाइप का वकील हाजिर करूँ ना। एक बच्चे को गोद लेने में मदद करे और सलाह दे सके ऐसा वकील चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो किसको बच्चा गोद लेना है बापूजी? मुझे। क्या? मैं पिंकू को गोद लेना चाहता हूँ। पिंकू को? ये आप क्या बोल रहे हैं बापूजी? वही जो तूने सुना। लेकिन बापूजी, आपको पिंकू को गोद क्यों लेना है, उसका तो मम्मी पापा है ना? हाँ है, लेकिन लेना पड़ा तो उसी की तैयारी के लिए मैं वकील ढूंढने की बात कर रहा हूँ। लेना पड़ा तो तैयारी? कुछ समझ में नहीं आ रहा बापूजी, आप क्या बोल रहे हैं? देख, कल रात को जब सब सो गए थे तो पिंकू मुझसे बात करने आया। मुझे आपसे बात करनी है अपने मम्मी पापा के बारे में।
पिंकू को गोद ले लूंगा, ले लूंगा, ले लूंगा। अच्छा मतलब पिंकू के पप्पा को डराने के लिए आपने गोद लेने की बात की। अच्छा हाँ वो तो है, लेकिन पिंकू के माँ बाप अगर नहीं आए तो मैं बच्चे का दिल थोड़ी तोड़ सकता हूँ। मैं सचमुच पिंकू को गोद ले लूंगा। मुझे आप उसको गोद लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो जैसे मुंह बोले भाई बहन नहीं होते, वैसे उसको मुंह बोला बेटा बना कर रखिए, कोई टेंशन नहीं है। हम भी उसको पूरा प्यार देंगे। लेकिन ये वकील को बुला के सब कायदे सर की कार्यवाही करने की कोई जरूरत नहीं है बापू जी। मेरे हिसाब से तो इसमें वकील की जरूरत ही नहीं है। अरे अभी अभी मैंने मेहतू से बात की है, उसने कहा कि बच्चा गोद लेने के लिए वकील चाहिए, वकील की जरूरत होती है। देख जेठिया, अगर पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो मैं पिंकू को गोद ले लूंगा। मैंने जबान दी है और ये कच्ची माड़ू की जबान है। तू जल्द से जल्द वकील ढूंढ भाई, मुझे सब तैयारी करनी है। ये भगवान, सुबह सुबह अभी ये क्या नई मुसीबत आ गई। रहता साहब, जेठालाल की आवाज मुझे यहां तक सुनाई दे रही है। और क्यों ना सुनाई दे भाई, चाचा जी ने इतने जोर का झटका दिया। वैसे देखा जाए तो दाल में नमक जितना कसूरवार मैं भी। भाई चाचा जी ने मुझसे पूछा बच्चे को गोद लेने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने वकील की सलाह दे दी। मुझे तो लग रहा था दोस्त के लिए पूछ रहे, मुझे क्या पता था कि चाचा जी स्वयं के लिए पूछ रहे और पिंकू को गोद लेना चाहते हैं। क्या करेगा जेठालाल, क्या होगा आगे, और क्या होगा जब गोकुलधाम निवासियों को पता चलेगा चाचा जी का यह विचार, तब क्या होगा उनका आचार, क्या होगा उनका बर्ताव। आचार जो भी हो, लेकिन मामला अचार जितना चटपटा और चटाखेदार हो गया है। क्या होगा, क्या चंपक चाचा वकील ढूंढ पाएंगे, क्या जेठालाल चंपक चाचा को वकील ढूंढने से रोक पाएंगे। भाई बाप बेटे की जुगलबंदी का नृत्य यहाँ पे प्रारंभ हो गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पिंकू के मम्मी पापा आएंगे। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको सोमवार के एपिसोड में। हंसते हंसते देखते रहिए, हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.